लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी इसमें मौजूद रहे। सर, एक हफ्ते तक चलेगा सिल्क एक्सपो, तो आपको लगता है सर कृषकों के लिए या फिर अगर बात करी जाए उद्यमों के लिए फायदेमंद रहेगा? सर देखिए, प्रतिवर्ष हम लोग सिल्क एक्सपो का कार्यक्रम करते हैं और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। आप अभी देखेंगे प्रदर्शनी में पूरे प्रदेश और हमारे देश के केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से जितने भी रेशम के उत्पाद हैं तरह तरह के आपको यहाँ मिलेंगे। क्योंकि दिवाली का पर्व है और दिवाली में खरीदारी होती है और हमारी पूजा की परंपरा है कि जब पूजा होती है तो लोग रेशम का वस्त्र पहनते हैं, तो इसलिए हम लोग दिवाली के पहले इसका एक्सपो का आयोजन करते हैं और बढ़िया बिक्री होती है। पूरी गारंटी के साथ ओरिजिनल सब उत्पाद मिलता है लोगों को और इससे पूरे प्रदेश और देश के जितने भी रेशम के उत्पादक हैं उनको भी लाभ होता है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि लखनऊ वासियों से कि ये एक्सपो लखनऊ के लोगों के राजधानी में लगाया गया है और 7 दिन चलेगा। ये है, अभी आपने देखा माटी कला बोर्ड का अभी मिट्टी के कल उद्घाटन किया, उसमें भी गणेश लक्ष्मी दिया कलश ये सब जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं इनके द्वारा सब बनाए हुए उत्पाद हैं, इनको ज़रूर खरीदें। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपना समय दिया है और उत्पादन की तरफ भी हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे करके प्रशिक्षण दे करके उत्तर प्रदेश चूँकि 4000 मीट्रिक टन की खपत है और हम लोग 10% ही उत्पादन यहाँ धागे का कर पा रहे हैं, 90% हम लोग रॉ मटेरियल अन्य प्रदेशों से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में बड़ी खपत है और मुख्यमंत्री जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, तो किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम सारी सुविधाएं ट्रेनिंग दे करके, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी अभी उद्बोधन में भी कहा, और भी जो सुविधाएं हम ट्रेनिंग सेंटर बनाना, गोष्ठी करना, लोगों को जोड़ना, चूँकि रेशम की खेती में आय प्रति एकड़ 1 लाख से 1.25 लाख हो सकती है, लेकिन जब एक बार हम किसान को जोड़ते हैं, उसकी मदद करते हैं, कीट पालक कराते हैं, तो दूसरी बार जब उत्पादन उसका कम होता है तो वो इससे हट जाता है। हमें इसको अपने विभाग के अधिकारियों के साथ भी मैं बैठूंगा और इसको जो एक बार जुड़े वो जुड़ा रहे और उत्पादन में भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हो और रेशम में भी हमारा जितना भी किसान है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और एक्सपो में भी जितने लोग हमारे उत्पाद वाले आए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। चुनाव की तैयारियों में भी आप लोग लगे हैं और यह चर्चा कन्फर्म है कि आज प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, तो क्या लगता है सर आपको कितनी मजबूती के साथ अब आप लोग सर 9 सीटों पर सर उतरेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 चुनाव होने थे, 9 जगह हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर पर तैयारी है और हमारा पन्ना प्रमुख तक संगठन भी है, लगातार काफ़ी दिनों से प्रयास भी चल रहा है, रिव्यू भी हो रहा है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन की मजबूती से, नेताओं के सभी सामंजस्य से हम 9 के 9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम कर रहा है। कांग्रेस के बीच गठबंधन को आपने देखा कि मात्र 2 सीटें दी उन्होंने कांग्रेस को, कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि घबराहट है भाजपा के इन लोगों के अंदर? नहीं, भाजपा के लोगों के अंदर क्या घबराहट होगी, भाजपा के इन लोगों के अंदर घबराहट है आपको लगता है? सब देखिए, भाजपा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, अब उन्होंने तो सब डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद कहा कि ये ले लो, तो हमें नहीं लगता कि उनका कहीं आगे चलने वाला है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से भ्रामक प्रचार करके लोकसभा में दुष्प्रचार करके कुछ उनके रिजल्ट ठीक आ गए थे, वो इस बार के चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो भी डबल इंजन की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जन जन तक पहुँच रही हैं। हमारा प्रयास है गांव के युवाओं तक, किसानों तक, मजदूरों तक सभी योजनाओं को ले जाने का
और निश्चित तौर पर आज जनता संतुष्ट है योगी जी के काम से, मोदी जी के काम से, और इन दोनों के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जीतने का काम करेंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।